नमस्कार दोस्तों, हमारे पास यदि अस्त्र शस्त्र है तो हम क्या दुश्मन से डरेंगे? वही अस्त्र शस्त्र के बारे में मैं आपको नियमित तौर पर बता रहा हूँ कि अपने लंग्स को मजबूत बनाएं। जब हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन जाएगी, जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो हमको रोग किसे परेशान करेंगे? इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी क्रिया बता रहा हूँ। प्रायः देखा गया है कि जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि हम अपने लंग्स का सिर्फ 1/3 कैपेसिटी का उपयोग करते हैं। जब हमारा कोई व्हीकल या वाहन 1/3 कैपेसिटी का उपयोग करता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, पर हमारा शरीर जीवन भर 1/3 कैपेसिटी में चलता रहता है। तो यदि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको जो पूर्व के वीडियो में कुछ क्रियाएँ बताई गई हैं जिनसे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, जिनसे हमारे लंग्स की इफिशेंसी बढ़ती है, उसको करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए आप अनेक रोगों से आप सुरक्षित हो सकते हैं। तो आइए हम इस क्रिया को सीखते हैं। सबसे पहले इस क्रिया को हम स्लो मोशन देखेंगे। आप हाथ ऊपर ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। अब इस क्रिया को हम तेज गति से करेंगे। क्या करेंगे? श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। अब आप आंखें बंद करके विश्राम करेंगे। अपने ध्यान को अपने कंधों पर लगा के रखेंगे और मन में बोलेंगे, मेरे कंधे स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे कंधे स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और इस क्रिया की 5 से लेकर 6 आवृत्ति करेंगे और हर आवृत्ति में 25 से लेकर 30 बार आपको हाथ ऊपर और नीचे लाना है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इस क्रिया को किसको नहीं करना है? जो व्यक्ति अत्यधिक गर्मी के शिकार है, जो हार्ट के पेशेंट है या किसी स्पेशल डिजीज के शिकार है, उन लोगों को इस क्रिया को नहीं करना है। और इस क्रिया को करना आवश्यक भी हो तो अपने योग प्रशिक्षक या अपने पारिवारिक चिकित्सक की सलाह से ही करें। जब इस क्रिया को हम नियमित तौर पर करते हैं, आप मान के चलें कि आपके लंग्स बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, अनेक रोगों से सुरक्षित हो जाएंगे।